मैं आपको एक अच्छा सा फेस पैक बनाना बताऊंगी जो हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, और विटामिन सी। ये हमने कुछ संतरा जो आता है खाने वाला, वो संतरे के हमने छिलके निकाल के इसमें रख लिए हैं, छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं, और ये नींबू का छिलका है। ये हमारा विटामिन सी फेस पैक रहेगा। और इसमें मैंने कुछ गुलाब की है फ्रेश गुलाब की पत्तियाँ डाल के हम इसको ग्राइंडर कर लेंगे। फेस देख सकते हैं इस तरह से तैयार है। इसमें हम चाहें तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं, और थोड़ा सा दूध और एलोवेरा जेल। इस समय मैं कुछ भी इसमें नहीं मिला रही हूँ, सिर्फ यही तीनों चीज़ें। और इसको मैं आपको बताती हूँ किस तरह से अप्लाई करना है। तो इस तरह से हम अपने फेस पे इस तरह से लगा के इसको 10 मिनट के लिए इसको हल्का सूखने तक का छोड़ देंगे। 10 मिनट या 15 मिनट लगेंगे, उसके बाद जो है फिर हम 10 मिनट बाद बताते हैं। अब इसको हम जो है इस तरह से ऐसे मसाज करेंगे ऊपर की साइड करके, ये इस तरह से इसको हम 5 मिनट तक अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करके इस तरह से अगर मसाज करेंगे तो हमारे फेस पे जो ब्लैक हेड हो जाता है, स्किन डार्ट हो जाती है जब हम कहीं बाहर से आते हैं, ऑयली हो जाती है तो हमारे फेस के लिए दाने निकल जाते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है और स्किन भी काफ़ी ब्राइट दिखने लगती है। इसको ताज़े पानी से, नॉर्मल पानी से इस तरह से धुल लेंगे। ये हाथ देख सकते हैं और ये हाथ देखिए, दोनों में देखिए काफ़ी डिफरेंस है। इसकी शाइनिंग देखिए कितनी ज़्यादा है, और इसमें देख सकते हैं अभी इसके, ये देख सकते हैं ये जो ब्लैक हैं ये सब हैं। अभी मैंने इस हाथ पर अप्लाई किया था तो ये हाथ हमारा देख सकते हैं कितना ब्राइट दिख रहा है। इस तरह से आप इसको भी बनाइए और ज़रूर अप्लाई कीजिए। ये एक तो होम रेमेडी है, तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और हमारा फेस भी बहुत शाइन करने लगता है। बनाया अभी मैंने बताया आपको, उसको मैंने ओवरनाइट ऑरेंज का और नींबू का जो है छिलका उतार के थोड़ा से पानी में भिगो के रख दिया था। सुबह उसको मैंने जब थोड़ा सा पीस लिया तो इस तरह से उसमें पानी निकल आया है, ये देख सकते हैं। इसको मैंने छान लिया और छानने के बाद हमने फिर से उसको पीस के फेस पैक बना लिया था। तो इससे हमारा एक नहीं दो काम हो जाता है। तो इसको हमने छन्नी से छान लिया है। अब इसमें जो है हम एक बोतल लेंगे, उसमें जो है एलोवेरा जेल देख सकते हैं, एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन थोड़ी सी और थोड़ा सा गुलाब जल डाल के हमने अब इसको इसी में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने बोतल में भर लिया है। अब इसको हम अच्छे से सेक कर लेंगे, इससे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और जब भी हम इसको अप्लाई करेंगे तब हम इसको इसी तरह से सेक कर लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें जिससे अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसको हम किसी कॉटन में लगा के इसको अपने फेस को टोनर की तरह यूज़ कर सकते हैं, या रात को लगा के भी सो सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से हम स्प्रे भी कर सकते हैं, ये इस तरह से स्प्रे करके भी अपने फेस को छोड़ सकते हैं। 20 मिनट बाद इसको हम फिर पानी से वॉश कर लेंगे। तो ये हमारा जो आँखों के नीचे ब्लैक हो जाता है, आई सर्कल और भी ब्लैक जहाँ पे झाइयाँ वगैरह हो जाती हैं, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से आप एक संतरे के छिलके से दो चीज़ें बना सकती हैं, और इसको बनाइए और ज़रूर ट्राई कीजिएगा।